समाजावर आलेल्या या संकटाच्या वेळी आम्ही समाजाचं काहीतरी देणं लागतो या भावनेने आज लोकविकास परिषद पार्टीच्या वतीनं गरीब तथा गरजू नागरिकांमध्ये किराणा किटचं वाटप करण्यात आलंय. तसेच डॉक्टरांनी दवाखाना उघडून रुग्णांवर उपचार करावे. हे सर्व रुग्ण आपल्या देशाचे नागरिक असून जर तुम्ही अशा संकटाच्या काळामध्ये देशाची सेवा करणार नाही तर केव्हा करणार आहात, असे भावनिक आवाहन लोकविकास पार्टीचे अध्यक्ष अब्दुल वाहब यांनी एमसीएन न्यूजशी बोलताना केलंय. जैसे कि हम सब जानते हैं, अभी फिलहाल लॉकडाउन जारी है और लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोग परेशान हैं. इस कदर परेशान है कि कई लोगों को घरों में खाने को कुछ नहीं है. अब हम तो इतनी बड़ी ताकत नहीं है कि हम सबको खाने को पहुंचाएं, लेकिन हम जितना भी कर सकते, मैं और मेरे नेता और मेरे कार्यकर्ता, हम सब लोगों ने मिलकर रमज़ान से हम मुसलसल बहुत गरीबों के लिए किट बना रहे हैं, उन तक पहुंचा रहे हैं. आज भी जो है तो किट बनाकर गरीबों को तकसीम की गई है. और मेरे साथ में हाफिज़ मुश्ताक साहब, जावेद चौ साहब, अमर भाई, अब्दुल गफ्फार साहब, हबीब निसार और भी मेरे भतीजे और मेरे कार्यकर्ता, ये सब लोग इस काम को अंजाम दे रहे हैं. हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम हमारे आसपास, हमारे आगे पीछे कोई भूखा ना रहे. और हम इसमें दुआ भी कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये बीमारी से हमको नजात मिल जाए, सबको पेट भर जाए, ये परेशानी हट जाए. आज देश पर जो परेशानी आई है, वाकई में ये बड़ी मुश्किल और बड़ी समस्या है, जो कि इसको अल्लाह के सिवा और कोई हटा नहीं सकता. इसलिए अल्लाह से भी हम दुआ कर रहे हैं कि पूरा देश खुशहाल हो जाए, ये परेशानी निकल जाए, और इंशाल्लाह ये परेशानी निकल जाएगी. और दूसरी शिकायत हमारे को डॉक्टर्स की आ रही है कि औरंगाबाद के जो डॉक्टर्स हैं तो वो पेशेंट को एडमिट नहीं कर रहे हैं, क्लिनिक नहीं खुल रहे हैं. इसके वजह से बहुत सारे लोगों को असुविधा हो रही है और लोग हमारे पास आ रहे हैं और हमको फ़ोन करते हैं कि भैया फलाना शख्स बीमार हो गया, हम फलाने डॉक्टर के फलाने दवाखाने में गए लेकिन वो एडमिट नहीं कर रहा है. तो मैं हैथवे एमसीएम के ज़रिए से डॉक्टरों को ये आह्वान करना चाहता हूँ कि भाई ऐसा मत कीजिए, ये सब भारत के नागरिक है, ये हमारे लोग हैं. आप ऐसे मौके पर इनका इलाज नहीं करेंगे जब इनको ज़रूरत है, आप ऐसे मौके पर इनकी मदद नहीं करेंगे जब ये पैर धंसकर आप मरने की नौबत इनकी आ गई है, तो फिर देश के लिए आप कब और क्या करोगे. आपसे मेरी विनती है कि जैसे भी पेशेंट है आप उसको एडमिट कीजिए और उनका ट्रीटमेंट कीजिए. और लोगों से मेरी अपील है कि आप डॉक्टर से बात करें, मोहब्बत से बात करें, और उसके बाद में भी एडमिट नहीं किया जाता है, आपकी मदद नहीं की जाती, एडमिट नहीं किया जाता है, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए. मेरा नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, मेरा नंबर लिख लीजिए. किसी को भी दवाखाने में कोई परेशानी आती है तो आप मुझको कॉन्टैक्ट करें. मेरा नंबर है 9822670786. नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 9822670786. शुक्रिया. जय हिंद.